कुछ 3 साल पहले बोल देते ना तो सर कोई ड्रामा नहीं होता। ये लड़का मेरी लड़की के साथ बदतमीज कर रहा है, खुलेआम सर, खुलेआम। मैंने तुमसे सब तुमसे जिंदगी में हमेशा प्यार किया है, हर चीज से ज्यादा प्यार किया है। राम क्या देख रहे हो तुम? बीच में मत आना, मैंने बोला वार्निंग दिया तुम्हें, छोड़ो मेरा हाथ, हाथ छोड़ो। मैं बताना चाहता हूँ मेरा प्यार कितना सच्चा है। आई रियली लव यू, दुनिया को मालूम चलना चाहिए जब इसे प्यार कितना प्यार करता है। पढ़ मारूंगी मैं, कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। तुम्हें चाय जो लगे, कोई प्यार नहीं अभिषेक, तुम्हें चाय जो लगे। तुमने मेरा दिन तोड़ दिया है, प्लीज अभिषेक, प्लीज तुमने मेरा दिन तोड़ दिया है। तुम्हें पता है मैंने कितना कि मेरी मम्मी से झगड़ा करके, पूरे खानदान से झगड़ा करके तुम्हें अपनाया था। How can you do that with me? मैंने हमेशा I'm sorry, whatever is happening, जो भी हुआ, I'm sorry for that. ये क्या ऐसा हमेशा चलते रहेगा? क्यों हमारा झगड़ा हुआ? तो always you stopping me, don't go here, don't do this, don't wear shorts. Why? मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। आगे से मैं तुम्हें इस चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, कभी तुमसे आर्गुमेंट नहीं करूँगा। नहीं, कोई लड़की प्यार करती है इस इंडस्ट्री में आती है, मैं तुमसे पहले मेरे लिए मेरा काम है, मेरी इंडस्ट्री है, डोंट डू दिस अभिषेक। मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लाया, बहुत स्पेशल। मैं नहीं मानूंगी अभिषेक, प्लीज एक बार प्लीज मेरी जिंदगी में दोबारा मत आओ, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, डोंट डू दिस। मैं गई कब से जो वापस आऊंगा, मैं तो कभी नहीं गया, तो हमेशा से तुम्हारे दिल में तो आज भी हूँ। तुम्हें थप्पड़ मारा फिर भी तुमको नफरत नहीं होता? तो प्यार तुम्हारा गुस्सा है, जिंदगी के बारे से फेस कर लाइन तुम्हारे बिना मैं और कौन आएगा? किस किस को लेकर आया? प्लीज राखी, आई लव यू, प्लीज बी माय वैलेंटाइन। नहीं, कोई आगे नहीं जाएगा।
मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि पता नहीं किसने कही थी, एक डिबेट चल रहा था और उसने कहा था कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी रिजॉल्व विद डायलॉग. जो हम नहीं करते, हम बचपन से बोलते हैं कि उसके कान के नीचे दो देना चाहिए था, और ये और कोई नहीं कहता, ये हमारे आसपास जो बड़े होते हैं वो ही कहते हैं. गौहर, गौहर, a lot of film stars have supported you. Arjun said that the man's hands just should be chopped off. What sort of punishment would you expect the judiciary to meet out? I'm sorry, you know this. मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि I don't know why, by God, I was chosen for this unfortunate incident. Why should anyone go through it? क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ लॉज नहीं है जो डर बिठाते हैं. मुझे कुछ जो जो कुछ भी लॉ में होगा, जो इसके साथ होगा, मैं होप करती हूँ और बिलीव करती हूँ कि कुछ ऐसा हो जो लोगों के दिल में डर बिठाए. ऐसा हुआ है निर्भया केस में, हुआ है वो, कि आगे भी होता हो, होना चाहिए, आई थिंक होना चाहिए. एट सम लेवल वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वो सिर्फ बातों तक सीमित रह जाता है और इंसानों को लगता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं. फ्री कंट्री है यार, फ्री कंट्री तब तक है जब तक आप किसी को हार्म ना कर रहे हो. One should realize के आपकी सीमा क्या है, और अगर मैंने ये किया तो यार मेरे साथ कुछ गलत होगा. आज भी बंदा इतने चौड़े में बोल रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी किया मैंने किया, क्योंकि उसे उसे शायद ये लगता है कि वो वैसे ही छूट जाएगा. और बिलीव यू मी, अगर वो छूटेगा तो फिर किसी और लड़की के साथ ये करेगा. And I'll call Shireen, is that okay? Yeah, okay. नहीं Shireen, नहीं बाबू जी, ठीक कहते हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं. हमारे माता पिता. पापा, पापा. हमारे माता पिता ये पूरी जिंदगी हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमें ढेर सारा प्यार देते हैं. हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इनका दिल तोड़कर अपने ख्वाबों के महल खड़े करें. ये लीजिए बाबूजी, बामन जी, संभालिए अपनी Shireen. अगर आपको लगता है कि आप इसे मुझसे ज़्यादा प्यार दे सकते हैं तो आप बेहतर जानते हैं. मैं यहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक रिलीज़ करने आया था, किसी का दिल तोड़ने नहीं आया था. ये लीजिए Shireen, Shireen को संभालिए बाबूजी. एंड नाउ यू हैव टू डू दमरी जी. Papa, how dare you? मैंने आपको छेड़ा.